यमुनानगर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल कपाल मोचन में इस बार लगने वाले मेले में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। 4 नवंबर से शुरू होने वाले इस मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला प्रबंधक बिलासपुर के SDM जसपाल सिंह गिल ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेले में पहुंचने के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग ने भी बसों की विशेष व्यवस्था की है। कपाल मोचन में इस भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस बार हमने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए एक बड़े ही विस्तृत प्लान से मेले में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तैयारियां की हैं। माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों में हमने इस पूरे मेले को 4 सेक्टरों में बांटा है। गो बछड़ा मंदिर के पुजारी ने कहा कि 5 दिवसीय इस मेले में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि कपाल मोचन मेला विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों की एकता व भाईचारे का प्रतीक है। गो मेला लगेगा, ये मेला 4 नवंबर से और 8 नवंबर तक चलेगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने सभी सुविधाएं की हुई हैं। स्वच्छ पानी भरा हुआ है, स्वच्छ वातावरण, बिजली का, पानी का, सभी कार्य बढ़िया तरीके से किए हुए हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि यहां सच्चे मन से आकर विधिवत रूप से पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि वो कई वर्षों से यहां आ रहे हैं और यहां आकर आत्मिक शांति मिलती है। मैं यमुनानगर से आई हूँ। मैं हर साल यहाँ मेले में आती हूँ। 4 तारीख से 8 तक मेला लगेगा और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ की मान्यता बहुत पूरी होती है। इतने ब्रह्म सरोवर, रेण कुंड, सूर्य कुंड, तीनों कुंडा का महत्व है। इतने गुरुद्वारा साहब भी है। इस चारा चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जोड़ा ब्रह्म सरोवर है वह ब्रह्म हत्या का दोष दूर करता है, तो जोड़ा रेण कुंड है किसी प्रकार का भी तुम्हें ऋण है वो ऋण दोष तो दूर करता है।